21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है, लेकिन उत्तराखंड में योग दिवस पर राजनीति कपालभाति और अनुलोम विलोम पहले से ही शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। इक्कीस जून को पूरे देश के साथ ही विदेशों में भी योग दिवस मनाया जाएगा। यानी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर के राज्यों में भी बड़ी तैयारियां चल रही हैं। हालांकि ये योग दिवस किसी पार्टी विशेष का आयोजन नहीं है, लेकिन भाजपा का खेमा इस योग दिवस की खुलकर मानो मार्केटिंग में जुटा है। पर साथ ही भाजपा नेता ये भी कह रहे हैं कि इस योग दिवस से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, बस ये तो गौरव की बात है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें देश भर में भी इस दिवस का आयोजन हो रहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 177 देशों ने हमारे भारत की इस मूल भावना को समर्थन दिया है। ये भारत के लिए सौभाग्य है। सुबह 7 बजे से और 7:35 तक ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, बीजेपी इस कार्यक्रम में सहयोग करेगी। इस योग दिवस पर राज्य सरकार ने भी अल्मोड़ा के जागेश्वर में योग महोत्सव का एक बड़ा आयोजन करने की तैयारी की थी और तारीख भी रखी थी 21 जून से 23 जून। लेकिन योग दिवस को लेकर भाजपा की ज्यादा दिलचस्पी कांग्रेस को एक आंख नहीं सुहाई। हुआ ये कि इस योग दिवस के योग महोत्सव पर पहले ही राजनीतिक अलोम विलोम शुरू हो गया। राज्य सरकार ने अल्मोड़ा में होने वाले योग महोत्सव की तारीख को बदलकर अब 19 जून कर दिया है। यही नहीं, अल्मोड़ा में होने वाले योग महोत्सव का शुभारंभ भी माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। पर इस योग महोत्सव आयोजन में बाबा रामदेव को राज्य सरकार बुलाएगी या नहीं, इस सवाल पर कांग्रेसी नेताओं का बयान नामे ही दिख रहा है। देखिए, योग महोत्सव है, उसमें सोनिया जी के आने की संभावना है और अभी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। जब भी पूर्णतया कार्यक्रम फाइनल हो जाएगा तो आपकी जानकारी में डालेंगे। देखिए किस किस को करते हैं, जो आयोजन करता है वो किस किस को करते हैं, उस पर अभी कुछ जो कहना जल्दबाजी। बहरहाल योग के जरिए योग कम राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिशें ज्यादा की जा रही हैं। राव शफात अली, श्री न्यूज, देहरादून।